अभी फिर से हमारा गाड़ी फिर हो गया है ख़राब और बंद पड़ गया था, तो अभी स्टार्ट नहीं हो रहा था। इसका कुछ प्रॉब्लम हुआ था डेनमो का है, तो डेनमो का मुझे नहीं लग रहा कि डेनमो तो अचानक में ऐसा बंद कर देगा गाड़ी को। मुझे पूरा खैर इंजन के बारे में तो पूरी जानकारी नहीं है, तो कभी तो फ़ोन किया था राम भाई को, तो खैर इसी रास्ते में जा रहे थे, तो खैर उन्होंने थोड़ा मदद करने के लिए आ गए। और यहाँ पे फिलहाल मैं जो गाड़ी जो टोचन करके लेके जाता है वो गाड़ी को मैं फ़ोन किया, तो खैर उसका नंबर स्विच आ पा रहा था। राम भाई की मदद से अभी लेके चलते हैं गैरेज तक और देखते हैं वहाँ पे खुलवाने के बाद क्या इसका जो प्रॉब्लम क्या है, क्यों स्टार्ट नहीं हो रहा है और गाड़ी क्यों नहीं चल रहा है। अभी हम लोग किसी तरह से तो आ गए हैं गैरेज में और रस्सी तो खैर टूट गया एक दो जगह पे, अभी इतना टाइट हो गया अभी काटना पड़ेगा, इसको खुल नहीं रहा है क्योंकि हमारे नसीब में लग रहा है अभी ज़्यादातर गैरेज का ही चक्कर काटना लिखा हुआ है, क्योंकि आज फिर मेरा गाड़ी का कुछ प्रॉब्लम हो गया है और डायनमो ख़राब हो गया जिससे बैटरी चार्ज होता है, बैटरी चार्ज नहीं हो रहा था इसी वजह से अभी गाड़ी भी बंद हो गया। तो खींच खाच के किस तरह तो आ गया है यहाँ पे, अभी फिलहाल अभी चलते हैं फिर डायनमो को थोड़ा रिपेयरिंग करवाते हैं, क्योंकि मैं 3-4 दुकानों पर जा चुका लेकिन नया अभी नहीं मिला है, जो मॉडल है गाड़ी का वो ऐसा वाला नहीं मिल रहा है। तो खैर अभी लेके चलते हैं पुराना वाला इलेक्ट्रॉनिक जो मैकेनिकल हैं उनके पास लेकर चलते हैं। नमस्कार सत्यकाल अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब भी मिलता हूँ, मैं आप सबका स्वागत है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो होना बहुत मजेदार, वीडियो को स्किप मत करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें, बेल चैनल वाला नाम मिले जिससे जो भी वीडियो डालो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो देखते हैं। डायनमो मेरे पास अभी दो है, लेके चलते हैं देखते हैं कौन सेटिंग हो पाता है। एक का थोड़ा सा फिश का प्रॉब्लम है और फिश सेटिंग नहीं आ पा रहा है, तो खैर चलते हैं और देखते हैं कितना टाइम लगता है बनाने के लिए, क्योंकि पहले ही मैं गया था वहाँ पे, तो लेकिन मैं सोचा था गाड़ी पे जो सिगाला है उसको पहुँचा दूँगा साइड पर, तो काम में थोड़ा दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन प्रॉब्लम हो गया कि गाड़ी उससे पहले ही ख़राब हो गया। अभी चलते हैं, वो पहले ही अभी मिस्त्री बता रहे थे 1.5 घंटा लग जाएगा, घर लेके चलते हैं देखते हैं दोनों में से कौन सा अच्छा है, तो रिपेयरिंग जो पहले हो जाएगा उसी को पहले सेट करवा लेंगे। अभी दो डायनमो मैं साथ में लेके आ गया हूँ और देखते हैं इसमें से कौन सा बनता है, उसी हिसाब से जो बन जाएगा उसको लेके जाएंगे। और बहुत ही वजन पड़ा, लाने में हालत ख़राब हो गया पूरा। अभी आ गया हूँ दुकान में और देखते हैं कितना टाइम लगता है बनने के लिए, जब तक बन नहीं जाएगा तब तक बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, तो देखते हैं कितना समय लगता है और बन जाता है तो फिर लेके चलते हैं। और पूरा तो इसमें हालत ही ख़राब हो गया, थोड़ा दूर पैदल चलना पड़ा वो भी इतने वजन के साथ में, तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हुआ इधर तक आने के लिए। ये जो हमारा जो पुराना अपने गाड़ी का ही जो डायनमो था वही रेडी हुआ है, उसका जो गया था कार्बन गया था, खैर अभी चेंज हो चुका है और सही हो गया है, तो खैर उसी को चेंज कर देते हैं। और खैर जो 50 रियाल लगा है और बाकी जो नया में 265 रियाल, तो सस्ते में थोड़ा अगर कहेंगे तो सस्ते में निपटा, लेकिन अगर चलेगा लंबा तो बन गया नहीं है। उस गाड़ी मेरे गाड़ी से स्टार्ट करेगा, 5-10 मिनट स्टार्ट खड़ा रहेगा तो ऑटोमेटिक ये जल्दी। ये ऊपर से खुल जा रहा है, बंद ऊपर से बंद जा रहा है, नीचे से नहीं, नीचे से टाइट होएगा और ऊपर से सिर्फ बोर्ड लगाना था। अभी गाड़ी तो हो गया है स्टार्ट और निकलते हैं अभी। सही है, वैसे आज का जो दिन गुजरा है ना कुछ अजीब ही गुजरा है, क्योंकि पूरा दिन जो गाड़ी के चक्कर में कट गया और दोपहर के बाद से अभी जो दोपहर के बाद से गया था अभी पेंट का जो मिक्स करने के लिए 1 गैलन पेंट में पूरा दिन यानी समझ लो 2 घंटा ले लिया जोतनवा लेने, तो 1 गैलन वो भी अभी किसी काम का नहीं, अभी पेंट को मिक्स कर दिया है लेकिन किसी काम का नहीं। और यहाँ पे जो काम था जो हरा भरा जो यहाँ पे गार्डन दिख रहा है, यहाँ पे जो काम था अभी लास्ट यहाँ पे अभी ख़त्म हो चुका है, खैर यहाँ पे जो फिनिश हो गया अभी इसमें जो बाकी है जो लोहे का जो अभी छत दिख रहा है इसको मारना है, आधा हुआ है आधा बाकी रह गया है,
और फिलहाल में ये जो बाहर का जो सीन था पूरा फिनिश हो चुका है, अंदर का भी काम हो गया है और बचा है जो बाहर का ये जो छपरा दिख रहा है जैसा, जो ये लोहे का है, तो इसमें कुछ इसी को कल के लिए थोड़ा सा बस रुका हुआ, तो सऊदी अभी इसको कंफर्म नहीं किया कि कौन सा कलर रहेगा। तो खैर इसमें अभी गार्डन भी कुछ हरा भरा कुछ ज़्यादा ही दिख रहा है पेंट होने के बाद, और दिखाते हैं अंदर का क्या है सीन। जो ये देख सकते हैं देसी लोग इधर बात कर रहे हैं, हिरन रखा हुआ है। मुदिर क्या हाल है? अच्छा अलहमदिल्ला। तो ये भाई साहब हैं यहाँ पे जो ये पेड़ पौधे का जो काम है यही देख रेख करते हैं। काम खत्म हो गया है। तो इधर हम लोग का काम फिनिश हो गया है और अभी निकलते हैं, और कल का थोड़ा मोटा जो बाकी है कल सऊदी पसंद करने के बाद हम लोग आ जाएंगे वापस, तो देखेंगे कैसे कैसे क्या करना है। वैसे दोस्तों हर बार कुछ ना कुछ नया ट्राई करता हूँ, कोशिश करता हूँ हर जगह हर बार नए हर वीडियो में कुछ नया हो अलग हो, लेकिन जहाँ जहाँ पे यहाँ पे तो आपको मालूम है कि हर कोई यहाँ पे काम करने के लिए आया है, घर छोड़ के घर परिवार छोड़ के। तो यहाँ पे काम के टाइम में जो भी मुझे समय मिलता है जहाँ पे मैं जाता हूँ वहाँ की मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो रिकॉर्ड करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो कोई वीडियो बहुत ख़राब बन जाता है, कोई वीडियो थोड़ा बहुत अच्छा रहता है। और दोस्तों वीडियो अच्छा बनाने के लिए आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अभी मैं इस समय अभी बहुत कुछ सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। खैर इतना भी मैं पढ़ा लिखा और इतना नॉलेजेबल नहीं हूँ कि हर कोई बहुत ज़्यादा जल्दी हर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा जल्दी सीख सकता हूँ। तो खैर कोशिश करता हूँ जितना भी मुझे समय मिलता है, हर बार एडिटिंग के लिए रिकॉर्डिंग के लिए सर्च करता हूँ यूट्यूब पे गूगल पे, जहाँ भी कोशिश करता हूँ। जैसा लोग बताते हैं यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी वीडियो पड़ी है जो यूट्यूब पे कैसा वीडियो बनाते हैं, कैसा एडिटिंग करते हैं, कैसा क्या करते हैं, कैसा क्या नहीं करते, हर कुछ ट्राई करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि वीडियो आपको बेहतर से बेहतर बना के दे सकूँ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे, चैनल में प्लीज सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें, बेल नोटिफिकेशन दबाना, जिससे जो भी वीडियो है नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।